उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ही अवैध ड्रग और अवैध शराब के विरुद्ध ही चलाए गए अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ सतपाल आंतिल के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ विद्यासागर मिश्र की कौशल पर्यवेक्षण में थाना अध्यक्ष देहलूपुर और धीरेन्द्र ठाकुर, उपनिरीक्षक रवीश कुमार और तिवारी के साथ ही स्क्वाड टीम ने संयुक्त रूप से देखभाल क्षेत्र और चेकिंग के दौरान ही मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के ग्राम देहलूपुर से लगभग तीन व्यक्तियों को 27 बंडल के अवैध गांजे के साथ ही एक चार पहिया वाहन GMC वाहन के साथ ही गिरफ्तार किया है। बता दें कि इस संबंध में थाना देहलूपुर में NDPC एक्ट के अभियोग से पंजीकृत कर लिया है मामला और थाना इसके बाद ही बरामद वाहन को 207 MB एक्ट के तहत ही सीज कर दिया है। ये देखिए, शासन के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों और शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और ऐसे कार्य में लिप्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के तहत देहलूपुर SO और हमारी स्वाट टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। मय वाहन और इनके पास से एक कुंटल से अधिक गांजा बरामद किया गया है जो ये अपने प्रदेश से बाहर से ला रहे थे और जनपद अमेठी ले जा रहे थे। इसमें मनीष शिवकुमार और कपिल गिरी तीन की गिरफ्तारी हुई है। कपिल इसके पहले भी NDPS एक्ट में जनपद अमेठी से जेल जा चुका है। इनसे विस्तृत पूछताछ करके इनका लाने का स्रोत कहां से है, किनको पहुंचा रहे थे, इसके पहले इनके ग्रुप में कौन कौन लोग थे, जानकारी कर हमारे द्वारा विधिक कार्रवाई की जाएगी।